देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में आम लोगों की हालत खराब हो गई है। वहीं इससे राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण विरार में देखने को मिला। जहां विरार में पालघर जिले के पालक मंत्री आए, उन्होंने एक बैठक रखी। इस पर कुछ प्रशासकीय अधिकारी और राजनेता उपस्थित हुए। वहीं नगर पालिका के नीचे कम से कम 15 से 20 गाड़ियां खड़ी थी। वहीं गाड़ियों में बैठे उनके ड्राइवर एसी की हवा खाने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक अपनी गाड़ी चालू रखकर पेट्रोल फूंकते रहे। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डीजल और पेट्रोल की महंगाई का असर किस पर हुआ है, आम जनमानस पर या इन राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों पर। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। देश में पेट्रोल और डीजलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं आज वैसे विरार में देखा जाए, जहां पर आज पालक मंत्री का दौरा है, इसी दौरान यहां पर कम से कम 8-10 गाड़ियां खड़ी हैं, जो अभी गाड़ियां चालू से लोग बैठे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं। मंत्री खुद कहते हैं पेट्रोल डीजल बचाइए, पर इन्हें क्या कहेंगे जो खुद पेट्रोल डीजल वेस्ट कर रहे हैं।